टीवी स्टार शरद मल्होत्रा और उनकी वाइफ रिप्सी की शादीशुदा जिंदगी में आए मनमुटाव वाली रूमर्स पर शरद मल्होत्रा ने किया रिएक्ट। शरद ने कहा कि इस तरह की झूठी खबरों की वजह से हमारे परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया गया। जी हाँ, हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि टीवी स्टार शरद मल्होत्रा और रिप्सी भाटिया की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों एक कठिन पैच से गुजर रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक आई कि शरद मल्होत्रा ने पत्नी रिप्सी भाटिया के संग रिश्ते में खटपट की वजह से शादीशुदा जिंदगी को दूसरा मौका देने का फैसला किया है और इस खबर के आने के बाद से ही हर कोई था हैरान। वहीं अब इस पूरे रूमर्स पर खुद शरद मल्होत्रा की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जहां बताया गया कि टीवी स्टार शरद मल्होत्रा की शादी में मनमुटाव की खबरें सच नहीं हैं। इस स्टेटमेंट में शरद ने बताया है कि रिप्सी और मुझसे हमारी शादी में किसी भी अशांति के बारे में पिछले हफ्ते प्रकाशन द्वारा संपर्क किया गया था और मुझे अभी इतना योग्य नहीं लगा कि मैं संबंधित प्रकाशन को स्वीकार करूं या जवाब दे सकूं। मेरी पीआर टीम ने हस्तक्षेप किया और उस स्रोत के बारे में पूछा, जिससे उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। एक सप्ताह बाद स्टोरी को आधार ही काल्पनिक स्टोरी के साथ फिर से हमारे आंतरिक सर्कल से कुछ स्रोत के हवालों से छापा गया। इस वजह से हमारे परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया गया। हम सार्वजनिक माफी चाहते हैं। प्रकाशन और लेख के लेखक को और अविश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने के लिए हम तथाकथित स्रोत का नाम भी जाना चाहते हैं। शरद ने कहा कि एक प्रतिष्ठित प्रकाशन को एक सूत्र के कहने पर इस तरह की आधारहीन रिपोर्ट छापते हुए देखना दुखद है, ये ठीक नहीं है और हम इस पर आगे की कार्रवाई की मांग करेंगे। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।